गाइस नमस्कार, इंग्लिश लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश तिवारी और आपको रोज बताता हूं बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश का मतलब है जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, आइए सीख लेते हैं। आज हम आपको हैड पजेशन के रूप में पास्ट टेंस में बताएंगे, हैड पजेशन के रूप में पास्ट टेंस में बताएंगे। और हैड का अर्थ अधिकार के रूप में होता है, हैड अधिकार के रूप में होता है, अर्थात हैड के पास था, के पास थी या रखता था। हैड नो निगेटिव बन जाएगा, के पास नहीं था। और डिड नॉट हैव ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ आएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, डिड नॉट हैव, हैव और डिड के बीच में नॉट लगेगा, निगेटिव आ जाएगा रखने के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ। डिड नॉट हैव एनी ये भी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, ध्यान दीजिएगा। डिड नॉट हैव एनी भी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। डिड नॉट हैव सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। और सब हैड प्लस सब्जेक्ट ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो आज हम पजेशन जो है अधिकार बताएगा, पास्ट टेंस में जो रखना और पास्ट का अर्थ बताता है उसको सीखेंगे। तो आई वी यू दे ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और ही सी इट वन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इनके साथ भी हैड का प्रयोग होगा। अर्थात आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट या प्रोनाउन को ध्यान में ही नहीं रखना है, सभी के साथ हैड का प्रयोग बेधड़क कीजिए। हम सेंटेंस लेते हैं और आपको समझाते हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, अर्थात ये प्रेजेंट का पोजीशन है। लेकिन आई हैड ए कार करेंगे, पास्ट का पोजीशन हो जाएगा। इसी को हम थोड़ा इम्प्रेसिव बनाते हैं, अर्थात वाक्य को थोड़ा गंभीर बना देते हैं, स्ट्रेस कर देते हैं, वाक्य पर जोर डाल देते हैं, इम्फैटिक थोड़ा सा बना देते हैं। इम्प्रेस बनाने के लिए हम गॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई हैड नो कार और नो के बाद जो है सिंगुलर जो है नाउन है कार, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। आई हैड और नो कार, नो के बाद नाउन है और वो नाउन काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और नेक्स्ट जो है निगेटिव हम बना लेते हैं, आई हैड नॉट, आई हैडंट, आई हैडंट, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट एनी कार, आई हैड नॉट एनी कार, आई हैडंट एनी कार, मेरे पास कोई कार थी ही नहीं, मेरे पास कोई कार थी ही नहीं, कोई कार नहीं थी, ठीक है, कोई गाड़ी नहीं थी। और इसको हम हैड नॉट ना करके डिड नॉट हैव कर सकते हैं, ये भी निगेटिव बनेगा। डिड नॉट हैव अर्थात डिड और नॉट और हैव, डिड नॉट हैव, डिडंट हैव, हैडंट हैव, डिडंट हैव, डिड नॉट हैव एनी कार, अर्थात मैं कोई कार रखता था ही नहीं, कोई कार रखता था ही नहीं, अर्थात मेरे पास कोई कार थी ही नहीं। ऐसा जब हम करेंगे तो डिड नॉट हैव और हैड नॉट एनी का प्रयोग करेंगे। अब इसको हम इंटरोगेटिव में जब बनाएंगे तो इंटरोगेटिव में जब आएंगे तो प्रश्न होगा, और उसकी शुरुआत हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हैड से एक डिड से। और जब डिड से करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव पार्ट है, उसको आपको जानना पड़ेगा। हैड आई ए कार सामान्य बात है कि क्या मेरे पास कार थी, क्या मेरे पास कार थी। लेकिन जब हम डिड आई हैव ए कार करेंगे, ये वाक्य आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। डिड आई हैव ए कार, क्या मैं एक कार रखता था, क्या मेरे पास एक कार थी। तो इतना भाग ध्यान रखना है कि आई हैव नॉट एनी, आई डिडंट हैव एनी और डिड आई हैव। अब यहाँ पर आ जाते हैं फिर लौट के, आई डिड नॉट हैव, जब आई को देखेंगे अर्थात कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट जब होगी, कोई भी प्लूरल प्रोनाउन जब होगा, तब डिड नॉट हैव होगा, चाहे वो सिंगुलर का प्रोनाउन हो चाहे प्लूरल का प्रोनाउन हो। आई डिड नॉट हैव, आई डिडंट हैव, अर्थात आई डिड नॉट हैव, यू डिड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव, वी डिड नॉट हैव, बॉयज डिड नॉट हैव। तो ये जो है प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट आया, चाहे प्रोनाउन में चाहे नाउन में, तो आप डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी वही स्थिति है, डिड आई, डिड यू, डिड दे हैव, इस तरह का प्रयोग आप करेंगे और ये बन जाएगी, ये दोनों पार्ट आपका इंटरोगेटिव बन रहा है।
इंटरोगेटिव में हैड और डिड दोनों से शुरुआत आप कर सकते हो। हैड नो जो है वो थोड़ा सा स्पोकन लैंग्वेज है। नेक्स्ट में आ जाते हैं सी हैड ए कार। अब यहाँ पर जब सिंगुलर प्रोनाउन होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा ये आपको देखना ही नहीं है, अर्थात सभी के साथ जो है हैड का ही प्रयोग होगा पजेशन पास्ट में, चाहे आई वी यू दे हो, चाहे ही सी इट वन हो, चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो, चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको देखना ही नहीं है। तो सी हैड ए कार, उसके पास एक कार थी, फेमिनाइन जेंडर है, लड़की है कोई, ठीक है, उसके पास एक कार थी, इसको हम इम्प्रेसिव बना देते हैं, सी हैड गॉट अ कार, सी हैड गॉट अ कार, सी हैड अ कार, सी हैड गॉट अ कार, अर्थात उसके पास एक कार थी, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले कभी थी। अब इसको हम निगेटिव बना देते हैं और जो निगेटिव बनाएंगे नो ले आएंगे, सी हैड नो कार, सी हैड नो कार, उसके पास कार नहीं थी, गाड़ी नहीं थी। अब इसको जो है हम दूसरे तरीके से निगेटिव बना सकते हैं, सी हैड नॉट एनी, सी हैड नॉट एनी, उसके पास कोई कार थी ही नहीं, उसके पास कोई कार नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, सी हैड नॉट एनी। तो हैड नॉट जब करेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल आपको देखना ही नहीं, तो सी डिड नॉट हैव एनी कार, उसके पास कोई कार थी ही नहीं, कोई कार नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी। तो यहाँ पर सी डिड नॉट लाएंगे तो हैव होगा, इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा, यहाँ हैव होगा, यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, हैव होगा। तो आपको इतना ध्यान देखना है कि सिंगुलर अगर प्रोनाउन आया, सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो हैव को तो आपको लाना ही लाना है, अगर आप भूल के भी हैज कर दिए तो वाक्य का सत्यानाश हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला इसको इंटरोगेटिव में जो बनाएंगे तो हैड सी अ कार, हैड सी अ कार, क्या उसके पास एक गाड़ी थी, एक कार था, डिड सी हैव, डिड सी हैव, डिड आई हैव, डिड यू हैव, डिड दे हैव, डिड शी हैव, डिड ही हैव, डिड इट हैव, डिड राम हैव, तो यहाँ पर हैव को ही देखना है, ठीक है। और डिड सभी के साथ आएगी, डिड सभी के साथ आएगी और हैव जो है वो सभी के साथ आएगी। तो मैंने आपको आपको आज पजेशन में पास्ट का हैड अधिकार के अर्थ में बताया। फिलहाल मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, धन्यवाद, नमस्कार।